मैं नागेंद्र सिंह, भारतीय वायुसेना का भूतपूर्व सैनिक हूँ। कारगिल युद्ध हमारे जज्बातों के साथ, हमारे देशभक्ति के साथ दुश्मनों के द्वारा थोपा गया था। यह युद्ध न सिर्फ हमारे जहन में आज तक बैठा हुआ है, बल्कि हम आज भी उद्वेलित हैं पाकिस्तान से उस पराक्रम का बदला लेने के लिए जो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। जब कारगिल हुआ था उस समय हमारी तैनाती वायुसेना के ग्वालियर बेस में थी। रात के 9 बज रहे थे, अचानक पता चला कि अमृतसर पे हमें मूव करना है। अमृतसर के एडवांस बेस में जब हम गए वहाँ पर, उसी दिन हमारा दुर्भाग्य था, भारतीय वायुसेना का स्क्वाडन लीडर अजय आहूजा सर वहाँ पर वीरगति को शहीद प्राप्त हुए थे, उनकी बॉडी वहाँ पर आई हुई थी। उसे देखकर हम लोग और भी ज़्यादा उद्वेलित हो गए और पाकिस्तान के प्रति हमारा जो जोश था कि उन्हें हमें अब मिटाना है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था। हम उसी जोश में पाकिस्तान से जो लड़ाई करने के लिए हम अपने सारे सैनिकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और युद्ध कमानों के साथ हम तैनात रहे अपने बॉर्डर पे। हम तैनात थे, पता चला जहाज आने वाला है और हमने उस जहाज को, पाकिस्तानी जहाज को गिराने को उठाने, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि जहाज हमारे बॉर्डर में नहीं आ पाया और वो हमारे पराक्रम के डर से बॉर्डर से ही वापस चले जाते थे। हमने 2 साल तक पराक्रम किया, काफ़ी लंबी लड़ाई हमने लड़ी और उन लड़ाई में हमने न सिर्फ पाकिस्तानियों को हराया बल्कि उन्हें उनके धोखे का जवाब हमने अपनी बहादुरी से और अपनी सच्चाई से दिया। कारगिल के शहीद को मैं दिल से नमन करता हूँ और सदा उनकी वीरगति को भारतीय वायुसेना के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा, थल सेना के द्वारा याद किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राकेश सिंह। थल सेना का पूर्व सैनिक हूँ। मैंने थल सेना में 9 पैरा कमांडो में उस समय मैं मौजूद था उधमपुर में, जब कारगिल के बाद शुरू हुआ था। 3 मई को वार शुरू हुआ था, जो कि 26 जुलाई को तकरीबन 60 दिन की लड़ाई के बाद वार खत्म हुआ था और इस वार का नाम दिया गया विजय, ऑपरेशन विजय, जिसे कि हमारी देश की सेना ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के दुश्मनों को कारगिल की चोटी से भगाया भी ही नहीं, हमारी तिरंगे को वहां पर लहराया, जिसमें हमारी देश के तकरीबन 522 जवान शहीद हुए और उन्होंने अपनी शहादत को ऐसे ही नहीं जाने दिया। पाकिस्तान के तकरीबन 2700 सैनिकों को मौत के घाट उतारा और उन्हें दिला दिया याद कि अगर हमारे देश में घुसोगे तो हम अपनी देश की रक्षा करना और अपनी देश की एक एक इंच संपत्ति की रक्षा करना बहुभाती समझते हैं। क्या क्या सर चुनौतियां थी और क्या क्या माहौल था उस समय? हम लोग उधमपुर में मौजूद थे। सबसे ज्यादा चुनौती थी कि उनकी वो हाइट पे थे और हमें हाइट पे ऊपर चढ़ना था और तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई थी, जिसको कि आर्म सेमिनेशन और सारी अपनी सामान के साथ ऊपर जाना और उनके साथ जंग लड़ना काफ़ी बड़ी चुनौती थी। इन्होंने, जबकि हमारी देश की सेना ने और हमारे पूर्वजों ने भली भांति निभाया और उन्हें याद दिलाया कि नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में लड़के और आगे बढ़ के दुश्मन के छक्का छोड़ाने के लिए हमारे अंदर काबिलियत है और हमारी देश की सेना ने इन्हें किया। और उसी दिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग भी विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को हमेशा याद करते रहेंगे और अपने वीर शहीदों का शहादत को नमन करेंगे। शर्मा है, भारतीय नौसेना का समय नाम में सर्विस किया करता हूँ और उस टाइम हम शिप में थे आईएनएस सरफ, जो आर्मी के प्लाटून टैंक ब्रिगेड और इन्फेंट्री के साथ अटैच थी। उन लोग को कैरी करना, उनके टैंक को दूसरी जगह पहुंचाना, स्पेशल शिप था आईएनएस सरफ जो पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ था। जैसे ये अनडिक्लेयर बार था, आप पाकिस्तान के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देने के लिए ये हम लोग चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिए थे। कारगिल सेक्टर के साइड में हम लोग का मूवमेंट तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के चारों साइड हम लोग फैले हुए थे। सिर्फ डिक्लेयर होता हम लोग 24 आवर हमें पाकिस्तान को नाश्ता मूत कर देते।